बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में अब की कमी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्तिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी एक होम रेमेडी, जिसमें आप लोगों को फेस पैक और स्क्रबिंग और क्लिंजिंग क्रीम और मसाज सारे एक ही पैक में आपको मिलेंगे। सिर्फ एक होम रेमेडी बताऊंगी, उसी हम लेंगे 1 टीस्पून दही, और आप देख सकते हैं इतना सा 1 टीस्पून, और कॉफ़ी नेस्ले, आप देख सकते हैं आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं मार्केट में। बहुत आपको पता होगा कि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो पिंपल्स को दूर करता है और स्किन को सॉफ्ट ग्लोइंग एंड ब्राइटनिंग टाइटनिंग करता है दही। हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये है वो फेस पैक, आप लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लें, दही और कॉफ़ी। आप लोग, आई होप आप लोग को पता होगा दाग धब्बे और जो स्किन पे झुरिया दाग पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, उन सबसे हमें निजात मिलती है। डार्क सर्कल भी दूर होते हैं इससे, और हमारे स्किन को टाइटनिंग ब्राइटनिंग और स्मूथ रखता है ये होम रेमेडी। तो आप लोग जरूर ट्राई करिए, इससे कुछ करना नहीं, इसी से आप लोग, इसे क्या करना है, बस फेस पे इसे अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे। इसी से, इस होम रेमेडी से, फेस पैक से हमें होता है डी टैन भी हमारे रिमूव होते हैं, और हमारे फेस में ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन से हमारे फेस को बेहतर बनाता है, स्किन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है। और हमें इसे रेगुलर बेस में यूज़ करें। अगर आपको रेगुलर नहीं यूज़ करना चाहते हैं या ना हो सके, तो वीक में 2 बार ज़रूर ट्राई करें, और इसे अच्छे से स्क्रबिंग कर ले। उसके बाद 5 मिनट के लिए ड्राई होने दे, उसके बाद फेस वॉश कर ले, दैट्स इट। और इसके रेगुलर मसाज करने से हमें टाइम से पहले जो स्किन पे रैसेस हो जाते हैं और जो झुर्रियाँ दाग धब्बे और काफ़ी इस रेमेडी से कम हो जाते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और इस रेमेडी से हमारे फेस को स्मूथ रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट देता है। और ये फेस पैक, ये रेमेडी सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन देता है, और आप लोग देख सकते हैं इसे अच्छे से मसाज कर ले और उसके बाद वॉश कर लें। चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। आई होप आप लोग देख रहे हो, स्किन बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा है, रिलैक्सिंग फील हो रहा है। तो आई होप आप लोग को मेरी रेमेडी पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप चाहे तो पैक में बेसन भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट मुझे बेसन सूट नहीं करता, तो मैंने बेसन नहीं ऐड किया। आप चाहे तो बेसन भी डालकर पैक एज ए पैक यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं फेस कितना सॉफ्ट और शपल दिख रहा है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।